गार्डन सर नजदी तुम कुछ स्कूल रोन ताजमहल मार कर जूम जूम कर जूम कर जूम कर पे आए हाजिरी दी और आपके साथ वर्करों का कारवां था। क्या हम ये मान सकते हैं कि बशारत साहब आज से आपने मोर्चा संभाले और इलेक्शन की तैयारी में लगे हैं और क्या कुछ खास था? मोर्चा संभालना तो कोई जंग करना तो है नहीं कि इंसान मोर्चा संभाले। हाँ एक बात है, दरअसल जितने भी हमारे, मैं अभी कह रहा था कि जितने भी हमारे गाँव बारामूला या सोपोर के साथ चले गए और जितने भी हमारे उसमें साथी हैं, आज उन गाँव जो बारामूला के साथ चले गए जो साथी हैं, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम यहाँ हाजिरी दें और उन्होंने ही आज का ये प्रोग्राम का इनेकाद किया था। जो हमारे साथी हैं जो बारामूला के साथ चले गए और उन्होंने भी यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम इंसराम भी किया था, तो आम का वो भी हो गया और हमने हाजिरी भी दे दी। दरअसल इससे पहले हमने उन इलाकों में जाके वागला जाके हमने एक मीटिंग की और मीटिंग में मैंने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया जो पिछले 15-16-17 साल से साथ चले और मैंने उनसे, मैं माफ़ी का भी तलबगार हूँ उनसे कि अगर कभी सौखता हुआ हो या कहीं किसी की दिलाजारी हुई हो या कोई काम ना हुआ हो, हुआ होता है, सब इंसान कर नहीं सकता है, तो मैंने उसके लिए भी उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मुझे माफ़ करना अगर कभी किसी को मेरी वजह से तलखी हुई हो, कुछ हुआ हो, और शुक्रिया भी अदा किया कि इतनी देर हम साथ चले। और आज उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया था कि इकट्ठे यहाँ आएंगे, हाजिरी देंगे और बैठ के थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी करेंगे। बशार साहब, अगर आपसे कहा जाए कि आप चाहते हैं कि लोगों को एक असेंबली होनी चाहिए, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जितना किसी के लिए एमएलए बनना ज़रूरी नहीं, उतना उससे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए कि उनका नुमाइंदा हो। मैं अभी कह रहा था कि आप जब सिलेक्टेड लोगों के बीच होते हैं, चाहे अफसर है या अफसर से ऊपर है, तो ये सारे सिलेक्टेड ही होते हैं, अपने एक सिलेक्शन प्रोसेस से आते हैं। तो आप, मैंने कहा कि हमारा लोग हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, गरेबा भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप अफसरशाही में गरेबा नहीं पकड़ सकते हैं, अपनी बात आप खुल के नहीं कर सकते हैं। और अफसर का भी अपना एक मिजाज होता है, एक अपना हद होती है, वो भी एक हद में बंधा हुआ होता है, एक्सेसिबल भी सबको नहीं हो सकता है। इसके लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और नुमाइंदा जो भी बनता है बहुत अहम है लोगों के लिए। सर, आए रोज़ पॉलिटिकल रैलियाँ होती है, कल ही हम एक पॉलिटिकल रैली में थे, इल्ज़ामात की बारिश थी, कह रहे हैं कि जो इकतदार में थे लोगों को धोखा दिया गया और डेवलपमेंट के हवाले से खासकर संग्राम में कुछ नहीं किया गया, ये इल्ज़ामात थे, किस नज़र से देखते हैं आप? अभी हम डेवलपमेंट की बात हमने कभी की नहीं, न कभी फाउंडेशन स्टोन डाला, और मैं इसलिए अक्सर नहीं करता हूँ बात डेवलपमेंट का, क्योंकि ये जो आपका फ़र्ज़ होता है काम करना और ये लोगों का हक होता है, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि हक और फ़र्ज़ के बीच में एहसान आता ही नहीं है, इसलिए हमने कभी फाउंडेशन भी नहीं डाला, जहाँ जहाँ काम शुरू हुआ हुआ। लेकिन अब जितना लोग बता रहे हैं, जितना लोग कह रहे हैं, उनका भी हक है डेमोक्रेसी में, अगर कोई बुरा भला भी हमारे नाम कहता है शायद उसका भी हक है बुरा भला कहने का, लेकिन जो बुरा भला कहते हैं हम उनके लिए दुआगो हैं, और दूसरा ये कि हम उन्हें पूरा एतमाद देते हैं कि अगर हमें अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों की उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। और जहाँ तक डेवलपमेंट क्या हुआ, आगे मौका आएगा बात करेंगे, इंशाल्लाह आपको डिटेल बता देंगे। सर, आपके साथ नए साथी मिल रहे हैं और पुराने भी आज साथ थे और कुछ अल्लाह के नए भी जुड़े हैं, साथी नए आ रहे हैं, क्या खास मैसेज रहेगी? कुछ नहीं, मैंने जितने भी मेरे साथ पिछले 10-11 दिन से जो लोग मिल रहे हैं,
बाकी जो नए गांव हैं वो आ रहे हैं। मैंने एक ही बात उनको कह दी, मैंने कहा उनको कि आप हिकमत अमली से आगे बढ़ें और एक साथ आगे बढ़ें ताकि हम मिल के जहाँ जहाँ बहबूदी का काम हो, तामीर व तरक्की का काम हो, आराम आसाइश का काम हो, वो मिल के करें। क्योंकि आप वाकिफ़ हैं कि हमने जब हम संग्रामा में जो पुरानी संग्रामा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हुआ करती थी उसमें जब हम काम करते थे हमने वहाँ भी बिला लिहाज मज़हब मिलत रंग नस्ल ज़ात पात स्टेटस वगैरह काम किया, जिधर मुमकिन था जैसा मुमकिन था वो कर लिया, और वही रूप हम अपनाना चाहते हैं उन इलाकों में भी जो हमारे साथ नए आए, ताकि उनको लगे कि हमारी भी डेवलपमेंट का या बहबूदी का वक्त आ गया। जावेद राना साहब का कसूर नहीं है, क्योंकि रीति रही है ऐसे बयान देने की और सियासी फ़ायदा उठाने की। आप जो एक डिस्कोर्स कायम करते हैं, यहाँ अक्सर बंदूक से इंसान मरता है लेकिन बंदूक तक पहुँचते पहुँचते एक डिस्कोर्स ऐसा कायम होता है कि इंसान ऑटोमेटिकली मर जाता है, और यही हुआ है पिछले 36 साल में, इवन उससे पहले भी ऐसा हुआ है। और इनको लगता है कि हमारे खिलाफ ये बयान देने से उनको शायद जम्मू में फ़ायदा होगा। अब देखिए ना, जब ये कश्मीर आएंगे ये हमारे मुतलिक कहेंगे ये दिल्ली से मिले हुए हैं, उनको लगेगा उससे इस बात से यहाँ फ़ायदा आएगा। फिर जब ये लोग दिल्ली चले जाएंगे वहाँ कहेंगे ये पाकिस्तानी है या चीनी है, फिर उनको लगता है कि दिल्ली में ऐसी बात से फ़ायदा आ जाएगा। तो इनका डिस्कोर्स बदलता रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनको बहुत अदब और एहतराम के साथ, छोड़ दो ये सियासत ऐसी करना, बहुत हो गया। क्योंकि जो तहरीक उठी थी कभी 31 में या 47 में, उसका आपने खुद ही जनाजा पढ़ा, इन लोगों ने खुद जनाजा पढ़ा उसका, और कब्र उसकी तामीर कर दी इन लोगों ने। अब लोगों को सच बोलिए और लोगों को सच के साथ आगे बढ़ने का मौका फराहम कीजिए, और ये चौंचलेबाजी और ये इस तरह के बयान, मैं बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, इस तरह के जो बयान देते हैं ये, इनको इनहराफ़ करना चाहिए ऐसे बयान से। क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए ना, कौन सा घर है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? आज तो फिंगर टिप्स पर आपका सारा है। अगर वैसे भी गूगल करके ये कश्मीर की तारीख पढ़ेंगे तो इनको तो लोग घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि ऐसे बयानात मत दो जिससे समाज का ताना बाना बिखर जाता है। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी कह रहा था कि ये अगर यूक्रेन जाएंगे तो यूक्रेन में कहेंगे ये रशियन है ताकि हमें यूक्रेन वाले मारें, अगर ये रशिया जाएंगे तो कहेंगे ये यूक्रेनियन है तो फिर हमें रशिया वाले मारेंगे, ये कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए इनके हर बयान को एन्जॉयमेंट के तौर पर लेके एक कहकहा लगाना चाहिए ताकि इंसान का खून दौरा करता रहे अच्छी तरह से।